और धमाकों का साइकिल कनेक्शन, जी हां, ये महज इत्तेफाक नहीं है बल्कि आतंकवादियों की एक सोची समझी रणनीति होती है धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल। हैदराबाद के दिलमुख नगर धमाके से लेकर पिछले कई धमाकों में आतंकवादियों ने ब्लास्ट कराने के लिए साइकिलों का ही इस्तेमाल किया है। हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए। धमाकों में किसका हाथ था, क्यों किए गए धमाके, धमाकों में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ, इन सब की जांच जारी है। लेकिन धमाकों की जगहों से फिलहाल जो संदिग्ध चीज बरामद हुई है उनमें अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर और सबसे अहम चीज जो बरामद हुई है वो है IED। इन सबसे खास बात ये है कि बम रखने के लिए टिफिन और साइकिल का इस्तेमाल किया गया है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब आतंकवादियों ने धमाकों को अंजाम देने के लिए साइकिल, टिफिन और डस्टबिन का इस्तेमाल किया हो। पुणे 1 अगस्त 2012, पुणे में 4 धमाके हुए, 5वें बम को निष्क्रिय कर दिया गया। इन धमाकों में साइकिल के साथ डस्टबिन का इस्तेमाल किया गया। इन धमाकों में एक बच्चा घायल हुआ था। दिल्ली 13 दिसंबर 2008, दिल्ली में आधे घंटे के अंदर 5 धमाके हुए। इन धमाकों में 27 से ज्यादा की मौत हुई और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। सभी धमाकों में एक समानता थी, धमाकों में या तो साइकिल का इस्तेमाल किया गया या फिर डस्टबिन का। गुवाहाटी 29 जून 2008, गुवाहाटी में जोरदार धमाका हुआ जिनमें 6 लोगों की मौत हुई, 35 लोग घायल हुए। बम को साइकिल पर रखा गया था। जयपुर 13 मई 2008, जयपुर में 9 जगहों पर ब्लास्ट हुए जिनमें 71 लोगों की मौत हुई थी और 216 से ज्यादा घायल हुए थे। लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी 23 नवंबर 2007, यूपी के इन 3 बड़े शहरों की कचहरियों को निशाना बनाया गया जिनमें 16 लोगों की मौत हो गई थी। अजमेर 11 अक्टूबर 2007, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर साइकिल का इस्तेमाल कर धमाका हुआ जिसमें 3 की मौत हुई। हैदराबाद 25 अगस्त 2007, हैदराबाद के एक पार्क और रेस्तरां के बाहर धमाका हुआ, दोनों धमाकों में 42 की मौत हुई थी। हैदराबाद 18 मई 2007, मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। गोरखपुर 27 मई 2007, गोलघर इलाके में 3 जगहों पर धमाके हुए जिनमें 6 लोग घायल हुए थे। मालेगांव 8 सितंबर 2006, महाराष्ट्र के इस शहर में सीरियल ब्लास्ट हुए जिनमें 37 लोगों की मौत हुई और 135 से ज्यादा घायल हुए। साइकिल धमाकों की सवारी बनती जा रही है और इसकी वजह ये है कि साइकिल खरीदने के लिए किसी तरह के पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ती, साइकिल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, उसे चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पार्किंग के लिए जगह नहीं तलाशनी पड़ती, यानी साइकिल को खरीदने से लेकर सड़क पर लाने तक किसी तरह की जांच से नहीं गुजरना पड़ता। ये इस सवारी की खासियत है और इसी का फायदा दहशत फैलाने वालों ने अक्सर उठाया है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।